नमस्कार, मैं अजयपाल खोजा। केंद्र सरकार की तरफ से तीन काले कानून किसानों पर थोपने के विरोध में आज किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए चौधरी राकेश टिकैत ने नागौर के अंदर किसान महापंचायत आयोजित की। चौधरी राकेश टिकैत नागौर किसान महापंचायत में पहुंचने से पहले किसानों के आराध्य देव वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में धोख लगाई। उसके बाद में नागौर स्थित किसान महापंचायत में पहुंचे। चौधरी राकेश टिकैत ने अपने भाषण की शुरुआत वीर तेजाजी महाराज की जय बोलते हुए तथा नागौर की धरती को नाथूराम मिर्दा व बलदेव राम मिर्दा की धरती बोलते हुए की। चौधरी राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है अपने संबोधन में, सुनिए। और जामा जी महाराज की जय, नाथूराम मिर्दा, बलदेव राम मिर्दा, ये उनकी धरती है। और जो नागौर का संबंध है, जो सबसे बड़ा संबंध है, और नागौर से इस परिवार का, हमारे परिवार का क्या रिश्ता है, वो भी बता देता हूं। नागौर के पहलू से रिश्ता हमारा रहा है। और आज भी जो छोटा भाई है, खेती करने के लिए यहां से 5 साल पहले बैल लेकर गया था, 2 बैल, यहां मेला लगा था कोई नागौर में, और वे 1.5 साल के बछड़े होंगे, वे 40-40 हजार रुपए के खरीद कर ले गया था, 80 हजार रुपए के। और यहां से बहुत लोग लेकर गए थे, गांव से ही करीब, अपना ही जो गांव है सिसोल में, जो जन्म स्थल है, वहां पूरा ट्रक भर के यहां से लेकर गए थे गांव के लोग। तो ये तो पुराना गांव है अपना, यहां से बैल जाते हैं तो हमारा खेती होती है, और उसकी आमदनी, अगर वहां पे गन्ने की फसल बढ़िया होगी तो उसकी आमदनी यहां पर आएगी। और ये तेल जो पूरा नागौर बर्बाद हुआ है, जो बैल जाने बंद हुए हैं, तो नागौर की इकोनॉमी खत्म हुई है यहाँ की, वो खुलना चाहिए। उस टाइम पे भी 11 ट्रक गए थे इकट्ठे उत्तर प्रदेश में, वे बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और लाठियां चलती हुई गई थी, लाठियां बजती चली गई थी उनपे। मतलब हम कोई पहलू को कोई कसाईयों को देंगे, हम कोई उसको देंगे, लेकिन यहां से यंत्र लगाकर जो ये ठेकेदार बन रहे हैं ना, जो गांव के ठेकेदार बन रहे हैं, पूरा देश लूट लिया इन्होंने, इनके चुंगल से बच जाओ, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, लुटेरे आगे लुटेरे, इनको भगाना पड़ेगा, इनके चक्रों में ना आना। सभी यहां पर जितने भी मेरे सम्मानित किसान बैठे हुए हैं, मेरी माताएं बहने बैठी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी बैठे हुए हैं, सबका संबंध गांव से है। और गांव बर्बाद तो अपना अनाज भर के चाहे सैंपल के तौर पे आप कुछ अनाज अपने घर में रख लेना, और एक आदमी और 10 क्विंटल अनाज, 10 परिवार इकट्ठे होकर 5-5 क्विंटल ले आना, क्योंकि तजर्बा ज्ञान तो होना चाहिए ना। असली मंडी का पता चल गया कहां है, वहां पूरा MSP पे आपको भाव मिलेगा पूरा। वो मंडी है कि पार्लियामेंट, जहां पे कानून बना है, अपना अनाज ले आना, एक आदमी को बैठाकर ले आना। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि देश में कहीं में भी बेच लो, कोई रुकावट नहीं है, कोई पुलिस का कर्मचारी रोके, कोई विभाग का आदमी रोकेगा, जो भी विभाग किसान के अनाज को रोकेगा उसको खरीदना पड़ेगा MSP पे, कोई पुलिस प्रशासन रोके। पुराना ट्रैक्टर आप अनऑथराइज तरीके से चला रहे हो, वो कागजू में खत्म हो गया। कितने लोग हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर खरीद लेंगे, ये बर्बाद करने की आपको कानून बन रहे हैं। जो पंपिंग सेट है आपके यहां पे, जो डीजल से चलने वाला कोई भी इंजन है, वो भी नहीं चलेगा, ये कानून दिल्ली में बन गया है। अगर इस आंदोलन से किसान हारेगा, ये मजदूर भी हारेगा। जय भीम के नारे लगाने वाले लोग हारेंगे, भीमराव अंबेडकर का संविधान हारेगा, ये देश का मजदूर हारेगा। रोटी तिजोरियों में बंद होगी, व्यापारी और बड़ी बड़ी कंपनियों के ताले लगेंगे, भूख के आधार पे देश पे
आने वाले टाइम पे ये होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु बनेगी। आपको ये आंदोलन करना पड़ेगा अपनी जमीन बचाने के लिए, जो जमीन हमको हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो आंदोलनकारी लोग थे उन्हें शहादत देके ये जमीन ने हमको दी। सामंतवादी लोगों के पास में जमीन नहीं थी, यहाँ के राजाओं महाराजाओं के पास में जमीन नहीं थी, ये जमीन छीन के हमको इसका हक मिला। ये किसान अपना गांव नहीं छोड़ता, यहाँ पे 10 साल हुई है तो किसान 11वें साल। इस क्षेत्र में काम नहीं मिलेगा तो कर्नाटक के गांव में चले जाएंगे। ये डेरा किसी पार्टी के लोग थे। राजस्थान की जिम्मेदारी है एक बॉर्डर की, आप आओ ट्रैक्टरों के साथ ना आओ, अपने कपड़ा लत्ता लेकर आओ, अपनी फसलों की कटाई करके आना शुरू कर दो। वहां पे दूसरी जगह भी आप आओ दिल्ली को। लेकिन अब की बार राजस्थान बहुत मजबूती के साथ में वहां पर डटा हुआ है। हमको कभी कामयाबी नहीं मिली थी जयपुर दिल्ली हाईवे पे, बहुत बार हमने दिल्ली घेरी लेकिन अब की बार मिली। अब की बार हमको जो आगरे से फरीदाबाद दिल्ली वाला रास्ता है वहां पे भी हमको कामयाबी मिली। पलवल में वहां पे भी डेरा जमा हुआ है। तो दिल्ली को चारों तरफ से कई लाख लोगों ने घेर कर रखा है, घेर के। जो मेरे नौजवान साथी हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा, अब कहीं रोजगार तो चले गए। जो कंपनी में नौकरी करते थे, जिनके 2-2, 3-3 लाख रुपया की जिनकी सैलरियां थी, वे आज 60-60 हजार रुपया में नौकरी कर रहे। कुछ निकाल दिए, उसने कहा जी आप निकाल दे, जो कुछ देना चाहते हो वो दे दो। उन्होंने कहा भाई 4 लाख रुपए का पैकेज था, अब हम तुझे 1,20,000 देंगे जी, 1,20 ही दे दो। कुछ को हटा दिए और कुछ की सैलरियां कम कर दी। नई भर्ती तो है ही नहीं। तो नौजवानों से है कि आपको अपने खेत में ही नौकरी तलाश करनी पड़ेगी, वहां से ही अपना व्यापार तैयार करना पड़ेगा, आपको अपने खेत में ध्यान देना पड़ेगा। और वो जब होगा जब आपका खेत बचेगा। अगली नजर तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपका खेत लेगी, जैसे ब्राजील में है। ब्राजील जो देश है वो हिंदुस्तान से बड़ा है। ब्राजील करीब 24 करोड़ की वहां की जनसंख्या है, जितनी उत्तर प्रदेश की, और 280 आदमी के पास में वहां की 80% प्रॉपर्टी है। जितना बड़ा राजस्थान, 4 आदमी के पास में इतनी जमीन है। तो वही कंपनियां हैं ये जो यहां पे भी आएगी। इनके कोई लिमिट नहीं कि कंपनी के नाम कितनी जमीन आप ले सकते हो। वॉलमार्ट में जैसी कंपनियां आ रही हैं, जिसके पास में कई कई हजार पानी के जहाज हैं, वो एक देश के अनाज को दूसरे देश में फेंकने को उनको 15 से 20 दिन लगेंगे। महंगाई का क्या हाल होगा? वो जो भूमिहीन किसान है जिसको आटा बाजार से लेना है, उसकी कीमत उसको पता होगी। मैं 15 दिन पहले का बाजरे का आटे का भाव बता देता हूं आपको। 20 दिन पहला यहां पे आप बाजरा 11 से 13 रुपए किलो बेचते हो, वहां पे जब हमको मन करा कि बाजरे की रोटी खानी है तो 65 रुपया किलो बाजरे का आटा मंगवाया हमने। ये होगा आपके साथ में। जो दिल्ली है, दिल्ली बाजरे का आटा खा रहा है 65 रुपया किलो खुली चक्की पे है, और जो मॉल में है वो 120 रुपए से 160 रुपया किलो बाजरे का आटा दिल्ली में बिकता है। आप बेचोगे 11 रुपए किलो और वो बेचेंगे 65 से 120 रुपया किलो। जो गेहूं आप यहां पर उत्पादन करते हो, जो घी उत्पादन करते हो, वो 2,500-2,500 रुपए किलो तक दिल्ली में बिकता है। ये नहीं आपको पता, उसको हटाना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे पूरे देश भर में युद्ध।
रणवीर सिंह ने आपको बताया कि जहां जहां के प्रोग्राम है से आंदोलन चलते हैं। वकील हो क्या आप लोग भाई? अगला जो आंदोलन होगा बैरिकेटिंग नहीं होनी चाहिए कहीं। ये बैरिकेटिंग तोड़ने सीख लो। अगर वहां पे यूपी में या कहीं होने ये कह रहे प्रशासन ये घुसने नहीं देंगे, बैरिकेटिंग लगा दी तो 5 गुनी भीड़ बढ़ती है। और बहुत तो ऐसे है कि बैरिकेटिंग तोड़ने के ही मास्टर है। कोई दिल्ली में जान देता रामायण पढ़ के दिल्ली की कोई बैरिकेटिंग हटा देता? आपने टीवी में तो देखा होगा। और ट्रैक्टर तो किसान का टैंक है भाई। ये आंदोलन गाड़ियों से नहीं होते। अपना ट्रैक्टर उसके ऊपर छत बांधो, 20 आदमी भी बैठ के आओ, एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, ये फार्मूला है संगठन का। एक ट्रैक्टर, 10 दिन, 15 आदमी, फिर दूसरे को आ जाओ, उसकी झोपड़ी बनाओ, उनका राशन पानी दे दो 15 आदमियों का, वे चेंज हो जाओ, फिर दूसरे कर दो। अपना गांव का चंदा गांव में रखो, चंदा मास्टर बहुत आ सकते हैं। गांव का धन गांव में, बाहर वाले को मत देना। कभी ये सोचोगे पैसे दे दिए क्यों मेरी लड़ाई लग जाए, मेरी धोख मंदिर में जा रहा 10 रुपये तू मान ले जा और मेरी धोख भी मारता ही है ना। अपने गांव की धोख अपने आप मारो जब भी सफल होंगे। अरे यहां तो है बहुत मजबूत लोग हमारे हैं, आप इनके साथ में आप करो जब भी ये किसान बच सकता है। अपने जो नौजवान साथी है यहां तो देखा, युगवीर सिंह ने बताया कि जब 15 साल पहले आए तो 500 फुट पर पानी था, अब 1000 पर जा लिया। जब भी देख रहे कि कोई घास का पत्ता भी नहीं, आप कैसे लोग जिंदा है। और उसके बाद में सरकार मांगने लग रही है तो आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। अपने जिन जिन लोगों के पास में भी जो फसल कुछ होगी अपना आ जाना दिल्ली की तरफ को, कोई पुलिस प्रशासन रोक के तो उसको एक ही सवाल कहना कि प्रधानमंत्री ने योजना बना रखी, हम इसको बेचने जा रहे हैं, MSP पे जहां बिक जाएगा वहीं बेच देंगे। याद रखना हमको जो भारत सरकार ने MSP तय करी है हम इसको वहां बेचेंगे। कोई भी भाग आपको रोक के नुको भाई MSP है आप खरीदो या हमको दिल्ली जाने दो। दिल्ली की मंडी का पता चल गया, मंडी कहां है? मंडी है पार्लियामेंट में। यह मजाक मत मानना आप।
भी क्या है, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी एक जिला है, वहां पे धान की खरीद नहीं हो रही थी। हमने कहा भाई धान की खरीद नहीं हो रही, सबसे बढ़िया है डीसी का ऑफिस, डीएम, डीएम बोलते हैं डीसी बोलते हैं, डीएम कलेक्टर, कलेक्टर का ऑफिस सबसे बढ़िया है, वहां पर चल जाएंगे, वहां पर खरीद हो जाएगी। 300 ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर लेकर गए, क्रय केंद्र लगा और पूरे रेट में खरीद हुई। मुजफ्फरनगर में शुगर फैक्ट्री नहीं चली थी, वो गन्ने की एक बेल्ट है, वहां का भी एक किस्सा बता दो, वहां डेट हम अपने आप देते हैं शुगर फैक्ट्री के, इस दिन शुगर फैक्ट्री चलेगी, वे लेट कर दे कभी कभी, हमने पिछला डाटा उठाया रेट डिक्लेयर कर दिया और हमने कहा कि नहीं शुगर फैक्ट्री चलेगी तो किसान डीएम के यहां पे गन्ना लेकर आ जाना, वही अपना डीएम के ऑफिस में कलेक्टर के वहां, तो किसान अपना गन्ने की सुबाई करे, ट्रॉली भर कर ले आए तो वहां पर तुला, तो आपका भाई तुल जाएगा ना, आपका प्रधानमंत्री ने घोषणा कर रखी संसद में रेट तय हुए, वही एमएसपी तय हुआ है, आप अपना आ जाना, दिल्ली का आंदोलन भी हो जाएगा, आपको भाव भी मिल जाएगा और पता भी चल जाएगा। ये कान खोल का सुन लो दिल्ली, यहां के एलआई और इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे, लाल किले पे हमने नहीं कहा कि लाल किले पे जाएंगे, लाल किले पे हमारे लोगों को धोखे से ले जाया गया, जो रास्ते हमको दिए उन रास्तों पे दिल्ली की सरकार ने बैरिकेडिंग करी गई, हमारे लोगों को लाल दिल्ली की सड़कों पे जो चक्र राहु था उसमें फंसाया गया, 3.5 लाख ट्रैक्टर थे और 25 लाख आदमी थे दिल्ली में, हमने कुछ नहीं करा वहां पे, ये झूठ कहते हैं। अगर जाएंगे जिस दिन संयुक्त मोर्चा घोषणा करेगा उस दिन पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट में, और अपना अनाज जरूर लगा देना आप लोग, क्योंकि ये कहते हैं ना कि हमने एमएसपी थी है और रहेगी, 10 दिन में आपकी फसलें आ जाएगी, आप कह देना कि एमएसपी थी है रहेगी, हमारा धान के तुलवाओ, हमारा बाजरा, हमारा गेहूं तुलवाओ, हमारे चने तुलवाओ, तो उनकी घोषणाओं का पता भी आपको चल जाएगा। ये कुछ नहीं करने वाले, ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं, ये भगाने पड़ेंगे, देश में हल क्रांति करनी पड़ेगी, जो भी औजार खेत में इस्तेमाल होते हैं उनको लेकर एक बार दिखाना पड़ेगा, उनको ये भी दिखाने पड़ेंगे, ये जो सिंगे वाले हैं ना ये दिखाने पड़ेंगे, ये इनका नाम नहीं लेता अभी, नहीं तो फिर ये कहेंगे नहीं आपने कह दिया, जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी पेंशन नहीं उनको मिलती, लेकिन जो एमपी एमएलए हैं उनको पेंशन है, 3-3 4-4 पेंशन उनकी है। जब आपके पास मावे तो जरूर पूछ लेना कि कर्मचारियों को और हमारे जो नौजवान है उनको पेंशन नहीं है, आप अपनी पेंशन छोड़ दोगे क्या? गैस सिलेंडर पर जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि अपनी सब्सिडी छोड़ दें, एक घोषणा ये भी करें कि जो एमपी एमएलए है जिनको छोड़नी है वो अपनी पेंशन छोड़ दें, जो हमारे पुलिस फोर्सेस के जो लोग हैं ये सारे किसान के बच्चे हैं आपके, इनका अगर आप क्वार्टर देखोगे तो 800 फुट में क्वार्टर बना हुआ है, अगर इनके मां बाप या रिश्तेदार आ जाए तो उनको शर्म लगती है। हमने एक सरकार को ऑफर दिया, एक पूरा ड्राफ्ट बनाकर दिया, सरकार को यह दिया बना के 1500 स्क्वायर फीट से नीचे किसी भी कर्मचारी का क्वार्टर ना हो, अगर उसके बच्चे वहां पे हैं उसे आप ड्यूटी राजस्थान के किसी भी बॉर्डर पर करवा लेना, उसको रहने का साधन अगर ठीक मिल जाएगा वो ड्यूटी देता रहेगा, कभी मने नहीं करेगा, उसके मां बाप उसके रिश्तेदार वहां पर आ जाए वो रुक सकते हैं उसके साथ में, आपको क्वार्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। इनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ता,
इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, ये किसान संगठन लड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इनके दर्द का। मैंने 7 साल पुलिस की नौकरी करी है, मैं सिपाही था, पुलिस की नौकरी करी दिल्ली पुलिस की। हम मिलिट्री में जाना चाहते थे, कमांडो की ट्रेनिंग करना चाहते थे, मिलिट्री में नहीं जा पाया, पुलिस की ट्रेनिंग करी, सारा दुख दर्द जानता हूं। इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरे देश के पुलिस फोर्स की लड़ाई लड़ेंगे, पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। वो जो दुकानदार है, जो गांव में बैठा हुआ है, जो शोक परिवार को उधार सामान देता है, जो छोटा दुकानदार है, वो शहर के नुक्कड़ में बैठा हुआ है, उसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी। एक शहर में 2 मॉल खुलेंगे, पूरा दुकानदार तबाह होगा, बर्बाद होगा। जो छोटा स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला है वो भी बर्बाद होगा। जब कंपनी आ जाएगी तो जो यहाँ पे जो बना रहा था ना चिलासिर में, ये सारी इंडस्ट्रीज बंद होगी हमारी। ये उनकी भी लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई लड़ जाएगी। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, ये उसकी भी लड़ाई लड़ जाएगी। डीजल के रेट बढ़ेंगे तो जो गांव में लोग बैठे हुए हैं उसको भाड़ा बढ़ेगा, उसका किराया बढ़ेगा, उसकी मार उसको भी झेलनी पड़ेगी, जिसके पास में ट्रैक्टर नहीं है या जिसके पास में साइकिल भी नहीं है। ये पूरे देश का जन आंदोलन है, पूरे देश में जाएंगे। 40 लोग की जो कमेटी है उसमें पूरे देश ने विश्वास करा है। हमने बार बार कहा है कि हमारे पंच भी वही रहेंगे और हमारा मंच भी वही रहेगा। आप इन पर विश्वास कर ना सकते। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अजय पाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि और भी तमाम तरह की न्यूज़ के वीडियो आपको मिलते रहें।